नमस्कार, मैं उदयशंकर, न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। कांग्रेस महासचिव तारिक अनवर झारखंड दौरे पर रांची आए। मीडिया से बातचीत करते उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने अमेजन से रिश्वत की बात करते हुए कहा कि खुदरा व्यापारियों को बर्बाद किया जा रहा है और इसके लिए मोदी सरकार ने रिश्वत ली है। साथ ही उन्होंने पिछले कुछ सालों में करोड़ों लोगों के बेरोजगार होने का हवाला भी दिया। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, आप सभी जानते हैं कि आज देश बेरोजगारी के बहुत बड़े चुनौती से गुजर रहा है। लगभग पिछले 2-3 सालों के अंदर 9 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं और उसका कारण यही है कि अमेज़न जैसी कंपनियों ने उनको, छोटे छोटे जो व्यापारी थे, एक तरह से उन पर आक्रमण किया है, उन पर हमला किया है। आप सब जानते हैं कि किसी तरह की भी रिश्वत और किसी तरह की भी इस तरह की जो बात है, वो हमारे देश में भी और अमेरिका में भी वो एक तरह से आपराधिक कार्य है और उसकी जांच होनी चाहिए। हम लोगों की यही मांग है, कांग्रेस पार्टी की मांग यही है कि जो इस तरह का आरोप है सरकार के ऊपर, क्योंकि ये सारा काम जो हुआ है वो मोदी जी के नाक के नीचे हुआ है, सारी चीज़ें केंद्र सरकार के नीचे हुई है,